मेरे साथ जी क्या शाम को 5:30 बजे बाहर दो लोग झगड़ा कर रहे सामने दुकान बंद थी, एक 4-5 रेडिये खड़ी थी, एक लाल सी टी शर्ट पहने हुए था, आगे दुकान है राठी राठी है कुछ पक्का पता नहीं है, वो एक सब्जी वाला खड़ा कर दिया आगे कबाड़ी का भी काम कर दिया, पहले तो उसने उसको पता नहीं किस बात पे क्या झगड़ा हुआ उनका आपस का पता नहीं, वो झापा उसके बाद भी वो बेचारा साइड में खड़ा रहा, उसके बाद भी उस पर चढ़े जा रहा अब भी चुप नहीं हुआ वो, ठीक है हम पड़ोसी हैं, मैं हूँ सारे पड़ोसी हैं, उसके बाद उसका लड़का आ गया सब्जी वाले से और 4-6 लड़के आ गए सब्जी वाले के, उन्होंने धू देना होना शुरू कर दिया उन लोगों उसको लाल टी शर्ट वाले, हम सारे वहीं पे थे, मैं भी वो सारे कोशिश कर रहे थे कि देखते उस टाइम तो फिर पुलिस वाले भी आ गए चले गए, बाद में अधिक के बाद पहले तो बाहर यहाँ पे शोर शराबा करते रहे, चला रही डॉक्टर को बाहर निकाल मैं अपना उसको देखने लगा, दो तीन बंदे अंदर आए बाकी सब बाहर थे, इतने में सोच रहे तो जिन्होंने आपका जो हमला किया ये आपके साथ उनमें से किसी को पहचानते हो आपने कभी देखा उनको पहचानते डॉक्टर साहब क्या हुआ आपके साथ मेरे साथ जी क्या शाम को 5:30 बजे बाहर डॉक्टर पे हमला हुआ है क्या हमला मामला पहले वहाँ पे डॉक्टर सिंह हो गए उसके बाहर कोई झगड़ा हुआ आपस में एक दूसरे को बंदी कर रहे थे इस वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ था, एक आदमी ने उनमें से शराबी पी रखी थी उसको लेकर वहाँ आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था तो उसकी वजह से सबके हुए फिर ये दोबारा गए उस टाइम डॉक्टर साहब ने उनका बीच बताया कर रहा था धमाके मारे और वहाँ से बच गए जी, रोड साहब की चोटें आई उनका अपने मेडिकल वगैरह कराए और फिर जी जो हमला करने वाले हैं वहाँ के रहने वाले कोई जानकारी मिली ये अभी यहीं के पड़ोसी हैं लेकिन अभी उनका नाम नहीं पता जख्मी लग रही है चोट लग रही है उनका मेडिकल कराने के लिए चार सर डॉक्टर पे हमला हुआ है क्या डॉक्टर साहब क्या हुआ आपके साथ मेरे साथ जी क्या शाम को 5:30 बजे बाहर दो लोग झगड़ा दुकान बंद थी, एक 2-4-5 रेडिये खड़ी थी, एक लाल सी टी शर्ट पहने हुए था, आगे दुकान है राठी राठी है कुछ शायद दर्शन राठी राम है पक्का पता नहीं है जी, वो एक सब्जी वाला खड़ा था विजय नाम है आगे कबाड़ी का भी काम करता है, पहले तो उसने उसको पता नहीं किस बात पे क्या झगड़ा हुआ उनका उसको झापड़ मारा, उसके बाद बेचारा सही उसके बाद उस पर चढ़े जा रहा अब भी चुप नहीं हुआ वो, ठीक है मैं हूँ सारे पड़ोसी है, उसके बाद उसका लड़का आ गया सब्जी वाले का ही वो थोड़ा सा भी उसको भी सपोर्ट मिल गई तो चढ़ गई उसको, उसके और 4-6 लड़के आ गए सब्जी वाले के उन्होंने दूसरे हम सारे वहीं पे थे, मैं भी वो सारे बीच बचाव कोशिश कर रहे थे कि देखते उस टाइम तो फिर पुलिस वाले भी आ गए सब वो भीड़ भाड़ खूब होगी नहीं चले गए, बाद में घंटक के बाद कम से कम 15-20 लोगों को लेके आए, पहले तो बाहर यहाँ पे शोर शराबा करते रहे फिर चला रही डॉक्टर को बाहर निकाल तो मैं अपना दूरी हम उनको देखने लगा बाकी सब तो जिन्होंने आपका जो हमला किया किसी को पहचानते हो आपने कभी देखा पहचानते हैं एक बंदा तो वही है जिसने शुरुआत करी थी जिससे शुरुआत झगड़ा हुआ था राठी राठी वो अंदर ही आगे खड़ा रहा था उसके साथ का दूसरा बंदा आया था जिसको मैं नहीं जानता उसने ये मामला शाम को पहले वहाँ पे डॉक्टर जो दुर्गा नर्सिंग होम है उसके बाहर कोई झगड़ा हुआ आपस में बाहर लोग था आपस में एक दूसरे को
इस वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ। एक आदमी उनमें से शराब भी पी रखी थी, उसका एक आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। फिर दोबारा टाइम डॉक्टर साहब ने भी उनका बीच बदलाव करवाया था। इन्होंने अब आकर मतलब डॉक्टर साहब के बच्चे थे जमाते मारे और वहाँ से भगते डॉक्टर साहब के चोटे आए, उनका हमने मेडिकल वगैरह कराया। जो हमला करने वाले हैं ये कहाँ के रहने वाले, कोई जानकारी मिली है? ये अभी यहीं के पड़ोसी हैं, लेकिन अभी उनका नाम नहीं पता। और जो डॉक्टर साहब है वो जख्मी है, हाँ पे लग रही है चोट लग रही है, उनका मेडिकल कराने के लिए देखा है सरकारी हॉस्पिटल को लगकर। डॉक्टर पे हमला हुआ है, क्या है मामला, हमला करने वाले? मामला शाम को पहले वहाँ पे हो गए, उसके बाहर कोई झगड़ा वापस में दूसरे को मजी कर रखा, इस वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ था। एक आदमी उनमें से शराब पी रखी थी, उसको लेकर वहाँ आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, तो उसकी रंग दे सकते हुए फिर ये दोबारा गए। उस टाइम डॉक्टर साहब ने उनका भी बदलाव करवाया, उन्होंने कहा के मारे और वहाँ से भर्ती। डॉक्टर साहब की चोटें आई, उनका हमने मेडिकल वगैरह कराया। जी जो हमला करने वाले हैं उनके रहने वाले, कोई जानकारी मिली है? ये अभी यहीं के पड़ोसी हैं, लेकिन अभी इनका नाम नहीं पता। मैं चोट लग रही है, उनका मेडिकल कराने के लिए भेज रहे हैं। डॉक्टर पे हमला हुआ है, क्या है मामला, कौन है हमला करने वाले? ये मामला आज शाम को पहले वहाँ पे डॉक्टर हो गए, उसके बाहर झगड़ा वापस आया, इस वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ था। एक आदमी उनमें से शराब पी रखी थी, उसको लेकर वहाँ आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, तो उसकी रंग सकते हुए गए। उस टाइम डॉक्टर साहब ने भी उनका बीच बदलाव करवाया था। इन्होंने अब आकर उनको भी डॉक्टर साहब के चोटे आई, उनका हमने मेडिकल वगैरह कराया। जो हमला करने वाले हैं कहाँ के रहने वाले, कोई जानकारी मिली हो? ये अभी यहीं के पड़ोसी हैं, लेकिन अभी इनका नाम नहीं पता। मैं अभी गिरफ्तार कर। और जो डॉक्टर साहब है वो जख्मी है, उन पर लग रही है चोट। डॉक्टर पे हमला हुआ है, क्या है मामला, कौन है हमला करने वाले? ये मामला शाम को पहले वहाँ पे डॉक्टर नर्सिंग होम है, उसके बाहर कोई झगड़ा हुआ था, आपस में इस वजह से आपस में झगड़ा हुआ था। एक आदमी ने उनमें से शराब पी रखी थी, उसको लेकर वहाँ पर झगड़ा हुआ था, उसकी रंजी सकते हुए फिर ये दोबारा गए। उस टाइम डॉक्टर साहब ने भी इनका बीच बदलाव करवाया था। उन्होंने अब आकर मतलब डॉक्टर साहब दो बैठे थे, उनको भी चोटे मारे हमला करने वाले हैं कहाँ के रहने वाले, कोई जानकारी मिली हो? ये अभी यहीं के पड़ोसी हैं, लेकिन अभी इनका नाम नहीं पता। मैं अभी जल्द गिरफ्तार कर। जो डॉक्टर साहब है वो जख्मी है, उनको लग रही है चोट लग रही है। डॉक्टर पे हमला हुआ है, क्या है मामला? ये मामला आज शाम को पहले वहाँ पे डॉक्टर नर्सिंग होम है, उसके बाहर कोई झगड़ा वापस में जो बाहर लोग तो आपस में एक दूसरे को उनकी मर्जी कर रहे थे, इस वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ फिर ये दोबारा गए। उस टाइम डॉक्टर साहब ने भी इनका बीच बदलाव करवाया था। इन्होंने अब आकर मतलब डॉक्टर साहब दो बैठे थे, उनको भी चोटे मारे और जी डॉक्टर साहब की चोटें आई, उनका जो हमला करने वाले हैं जानकारी मिली है। ये अभी यहीं के पड़ोसी हैं, लेकिन अभी इनका नाम नहीं पता। मैं अभी जल्द ही
और जो डॉक्टर साहब है वो जख्मी है। गाँव के अलग ही है, चोट लग रही है तो मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल।